कॉमन रूल मतलब उभयनिष्ठ नियम। नियम क्या है कि कॉमन जो दो कॉमन नियम है, जैसे इसमें कॉमन क्या दिया आपका 3 और 4, तो जो दो कॉमन नियम है इसके अलावा जो दो साइड होगी वो इन्हीं के बारे में पूछेगा, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होगी, विपरीत होंगे। 5 के अपोजिट 6 होगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन बनता है भैया, कॉमन नियम दिया हुआ है, दो कॉमन होंगे, बाकी जो दो बचे हुए वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। पहला नियम याद रखिएगा, इसके अंदर जरूरी नहीं है कि वो आपको यही कुछ दे, इसमें कुछ और भी टाइप के बना सकता है, सिंबल दे सकता है कुछ। सपोज आपको एक ऐसा बना दिया उन्होंने, उसने इसमें एक सिंबल दे दिया, यहां पे रुपए का दे दिया, यहां पे डॉलर दे दिया, और यहां पे इक्वल का सिंबल दे दिया, ठीक है, ऐसे ही यहां पे डॉलर बना दिया, यहां पे इक्वल का सिंबल बना दिया, और यहां पे एक और सिंबल दिया हुआ है। तो आपको इसमें वो पूछेगा, तो एक जो साइड है उसके अपोजिट पूछेगा। इसमें आपने देखा कि दो साइड है मेरी, इसमें डॉलर और ये दोनों साइड कॉमन है, तो ये दोनों रुपए के अपोजिट आपका ट्रायंगल का सिंबल होगा, ठीक है। मतलब कॉमन रूल के अंदर आपको पता होगा कि भैया दो सरफेस आपकी दोनों पिक्चर के अंदर दिए गए होंगे, दो नंबर सेम होंगे, और आपको फिर याद रखना है कि जो बचे हुए दो नंबर है ये आपके हमेशा अपोजिट होंगे। पहला नंबर आपने याद कर लिया, सिंपल सा नियम। अब आता है इसमें दूसरा नियम का नियम। आप इसमें देखिए, निकटतम का नियम क्या होता है कि पासे में जब भी आपको जो निकटतम साइड होगी वो कभी भी विपरीत साइड नहीं होगी, ये याद रखना है। जो निकटतम होगा वो कभी भी विपरीत नहीं होगा। कॉमन में क्या था कि भैया जब दो साइड दो एक नंबर कॉमन है तो दो बचे हुए नंबर है वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। निकटतम का नियम क्या है, एडजेसेंट नियम रूल क्या है कि जो साइड निकटतम साइड होगी वो कभी भी अपोजिट साइड नहीं होगी। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। इससे आपको दिया गया होगा कुछ ऐसे, ठीक है, यहां पे आपको दिया गया है 4, 6, 1, दूसरा आपको दे दिया गया है 4, आपको पहले तो यही देखना है सबसे पहले कि कौन सा पासा है। आप यहां देखेंगे 4, 3, 7, निकटतम संख्याओं में 7 बन गया, तो आपका ये गैर मानक पासा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। अब इसके अंदर हम लगा रहे हैं एडजेसेंट का, क्योंकि इसके अंदर अब दो साइडें नहीं दी हुई है कॉमन, केवल एक साइड दी हुई है 4, ठीक है, कॉमन आपको केवल एक साइड दी हुई है, और आपको पता है कि जो साइड निकटतम साइड होगी और उस कॉमन साइड के बारे में भी पूछा गया, 4 के अपोजिट क्या होगा, और उस कॉमन साइड के बारे में ही पूछा गया होगा, और पता है कि आपको जो 4 है उसके निकटतम क्या हो, नहीं हो सकता, जो निकटतम साइड हो उसके विपरीत नहीं हो सकती, तो 4 के अपोजिट क्या होगा भैया 4 के। देखो अगर मैं डाइस की बात करता हूं तो डाइस में क्या क्या होते हैं, 1, 3, 4, 5, आपको 4 का पता करना है तो 4 होगा नहीं, 4 के निकटतम 2 भी है ये भी नहीं हो सकता, 3 भी आ गया ये नहीं हो सकता, 6 भी आ गया ये भी नहीं हो सकता, 1 आ गया ये भी नहीं हो सकता, क्या बचा 5, तो 4 के अपोजिट क्या होगा 5, कि जो भी आपकी निकटतम साइट है वो कभी भी अपोजिट साइट नहीं होगी, जो आपकी एडजेसेंट साइट है वो कभी भी अपोजिट साइट नहीं होगी, जो आपकी निकटतम साइट है वो कभी भी आपकी विपरीत सतह नहीं होगी, क्लियर। दो नियम हो गए, पहला था कॉमन रूल जिसके अंदर दोनों चित्र के अंदर दो कॉमन संख्याएं होंगी तो हमें पता चल जाएगा कि जो बची हुई बाकी दो है वो एक दूसरे के अपोजिट है। दूसरा था
कि जो निकटतम सतह है वो कभी भी अपोजिट सतह नहीं होगी, तो आपको सिंपल सा ही निकालना है। अब तीसरा नियम आता है ब्रह्मास्त्र, इससे आप कोई भी सोल्व कर सकते हैं। ये अब आप बोलेंगे मास्टर ने हमें पहले ब्रह्मास्त्र क्यों नहीं दिया, ब्रह्मास्त्र पहले यूज नहीं किया जाता, ब्रह्मास्त्र लास्ट में यूज करते हैं, इसलिए उसको अब यूज करेंगे। जब ये छोटे मोटे प्रॉब्लम्स तो वैसे सोल्व करो, तब आपको लगा कि भैया उसमें आपका स्टैंडर्डाइज का रूल भी नहीं लग रहा, आपका कॉमन रूल भी नहीं लग रहा, आपका एडजेसेंट रूल भी नहीं लग रहा, अब स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन आ गया, महान क्वेश्चन आ गया, तो उसके लिए ब्रह्मास्त्र यूज करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं ब्रह्मास्त्र क्या है। रोटेशनल को गुणनक, घूमने वाला गुणनक का नियम। अब इसमें कैसे क्वेश्चंस होंगे, ये ब्रह्मास्त्र तो हमने आपको दे दिया, अब ब्रह्मास्त्र में होगा क्या, चलो ब्रह्मास्त्र का क्वेश्चन अब करते हैं। आपको इसमें इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, जैसे आपको दो डाइस किए होंगे, दोनों डाइस के अंदर आपको कोई भी नंबर मिल सकते हैं, पहले में है यहां पे 5 4 3, दूसरा दिया हुआ है 1 6 3। आपने याद रखना कि जब आपने एडजेसेंट का नियम किया था तो उसमें क्या पूछ रहा था, कॉमन साइड के मतलब तीन के अपोजिट ही पूछ रहा था, लेकिन अब वो क्या करता है, तीन के अपोजिट नहीं पूछता, वो किसी दूसरे के अपोजिट पूछता है, वो पूछता है 5 के अपोजिट क्या होगा, क्योंकि अगर वो इसी कॉमन नंबर के अपोजिट पूछता तो हमें पता था कि जो इसके निकटतम है वो नहीं होंगे, बचा हुआ होगा। चलिए तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का एक नियम है, पहले आप कॉमन नंबर आइडेंटिफाई करेंगे, एक ही कॉमन नंबर होगा, अगर दो कॉमन नंबर होते तो आप पहले वाला नियम लगाते, अब आपके पास एक कॉमन नंबर दिया है तो आप इसमें देखेंगे इस कॉमन नंबर से लेके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको घूमना है, जैसे घड़ी घूमती है उसी दिशा में आपको घूमना है और एक नंबर को लिखते चले जाना है, 3 4 5 ऐसे इधर से 3 6 1। अब ये जो आपका आया हुआ है इसको भूल जाइए, क्योंकि ये हमने क्वेश्चन सोल्व करने के लिए निकाला था, तो यहां पे मैं अगर आप पूरी डाइस इसके अंदर, इस ब्रह्मास्त्र के अंदर आपको पूरी डाइस का पता चल जाता है, मैं यहां पे 3 भी लिख सकता हूं कि मेरा 3 के अपोजिट क्या होगा ये जानने के लिए, तो एक अक्षर बचा हुआ आपका 2, ये मेरी पूरी डाइस का फोटो बन गया है। 4 के अपोजिट इसको आप भूल जाइए, क्योंकि आपने क्वेश्चन 4 के अपोजिट 6 होगा, 5 के अपोजिट 1 होगा, 3 के अपोजिट 2 होगा, क्लियर। रोटेशनल रूल, रोटेशनल रूल क्या है कि जो आपको एक कॉमन नंबर दिया हुआ है उसको लेते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको घूमते हुए नंबर लिखना है, आप दोनों नंबर को ऐसे लिखेंगे तो आपके जो भी सामने नंबर आता है उसके अपोजिट होगा। आपको पता है कि इस डाइस के अंदर 4 के अपोजिट 6 है, 5 के अपोजिट 1 है, 2 के अपोजिट 3 है, इस रूल के अंदर, इस ब्रह्मास्त्र के अंदर, रोटेशनल रूल के अंदर आपको पूरी डाइस का पिक्चर क्लियर हो जाती है, ये याद रखिए, इसीलिए हमने इसको ब्रह्मास्त्र बोला है कि आपको पूरी डाइस क्लियर होगी। अब ये डाइस ऐसी बनी हुई है, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। इसमें क्या था ब्रह्मास्त्र का नियम, ब्रह्मास्त्र कैसे चलाना है आपको बताया था कि भैया पहले आप देखिए इसमें कॉमन, आपने कॉमन देखा, सबसे पहले तो आप ये बताइए ये स्टैंडर्डाइज है या नॉन स्टैंडर्डाइज है, एक दो तीन दिया हुआ नहीं है और कुछ दिया हुआ है तो सीधा नॉन स्टैंडर्डाइज, नंबर नहीं दिया हुआ तो सीधा नॉन स्टैंडर्डाइज, कुछ सोचना ही नहीं है। अब दो कॉमन नहीं दिए हुए वरना इजीली पता लगा लेती है दो साइड के अपोजिट है। चलिए अब आपको इसमें ब्रह्मास्त्र आपने यूज किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमाना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस पे घूमना है, तो सी डी ए सी एफ बी, और अगर मैं इस डाइस को पूरा नंबर निकालना चाहता हूं तो सी के सामने क्या होगा मेरा एक नंबर जो मिस है, तो ए से लेके एफ तक बना हुआ है तो मिस क्या होगा आपका ई। अब आप पूरा डाइस का पिक्चर आपके सामने है, इसको आप भूल जाइए और ये आपका डाइस हो गया, डी के अपोजिट आपका एफ होगा, ए के अपोजिट आपका बी होगा, सी के अपोजिट आपका ई होगा, क्लियर। अब हम एक छोटा सा रिपीट करते हैं,
सबसे पहले डाइस दो टाइप के, नंबर एक स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा, नंबर टू नो स्टैंडर्ड डाइस गैर मानक पासा। स्टैंडर्ड डाइस के अंदर क्या था कि विपरीत स्तर का टोटल 7 होगा, लेकिन निकटतम सरफेस एडजेसेंट साइड का सम कभी भी 7 नहीं होगा। उसको आप इजीली निकाल सकते थे। गैर मानक पासा में क्या था कि निकटतम सरफेस का सम 7 होगा। जब भी आपके निकटतम सरफेस का सम 7 होगा, जैसे इसमें दिया हुआ 4, 3, 7, 6, 7, यह आपका गैर मानक पासा है। स्टैंडर्ड डाइस में एक स्टैंडर्ड ही बना होता है कि भैया आपको पता है कि उसमें एक के अपोजिट 6 होगा क्योंकि आपको टोटल 7 करना है, 2 के अपोजिट 5 होगा क्योंकि आपको टोटल सम करना है, 3 के अपोजिट 4 होगा क्योंकि आपको टोटल सम करना है। लेकिन गैर स्टैंडर्ड डाइस में ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। चलिए अब इसके अंदर हमने दिया था कि अगर गैर स्टैंडर्ड डाइस आते हैं तो आपके पास 3 नियम है इनको सॉल्व करने के लिए। पहला नियम कॉमन रूल, ओबेनिस्ट का नियम, क्या था वो कि आपको 2 नंबर कॉमन दिए होंगे दोनों डाइस में, बचे हुए 2 नंबर हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगे, विपरीत होंगे। पहला नियम क्लियर। दूसरा नियम क्या था, निकटतम का नियम एडजेसेंट रूल। एडजेसेंट रूल में क्या बताया हमने कि जो निकटतम साइट होगी वो कभी भी अपोजिट साइड नहीं होगी, मतलब जो निकटतम स्तर है वो कभी भी विपरीत स्तर नहीं हो सकती। तीसरा नियम हमने दिखाया था रोटेशनल रूल। उसके अंदर क्या हुआ कि हम पूरी डाइस का पिक्चर बना सकते हैं, पूरी डाइस का पिक्चर क्लियर होगा, हमें कॉमन नंबर को लेते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। ये याद रखना, हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है, घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है हमें उसी दिशा में घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज कभी नहीं जाना आपको। अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।